सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में इस बात को जानने की बहुत जिज्ञासा होगी कि आखिर इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनका डेली का रूटीन क्या होता है, और जब वे किसी कॉम्बैट में नहीं होते हैं तो उस समय वे क्या करते हैं। और अगर आप इन एस्पिरेंट्स में से एक हैं तो आप हमारी आज की ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो किसी भी अन्य सिपाही की तरह फाइटर पायलट्स की दिन की शुरुआत भी सूरज निकलने से पहले होती है, जिसमें वे अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि हर एक पायलट के लिए फिजिकली और मेंटली फिट रहना बेहद ही जरूरी है। फिर इसके बाद सभी फाइटर पायलट्स अपनी अपनी यूनिट्स में जाते हैं जहाँ पर ब्रीफिंग होती है, और इस ब्रीफिंग में सभी फाइटर पायलट्स को मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताया जाता है, यानी कि उन्हें मौसम की स्थिति के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हवा का बहाव कितना है, हवा किस दिशा में चल रही है, और भी ऐसे ही कई सारी चीजें। और ब्रीफिंग यूनिट लेवल के साथ साथ इंडिविजुअली भी होती है, और ब्रीफिंग पूरी होने के बाद फिर फाइटर पायलट शॉर्टीज के लिए तैयार होते हैं। शॉर्टीज के पहले लॉट को फर्स्ट डिटेल कहा जाता है, जिसमें सभी सीनियर पायलट्स अपने जूनियर पायलट्स के साथ डिस्कस करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे मुश्किल हालातों को संभाला जाता है। और फिर फर्स्ट डिटेल के बाद सेकंड डिटेल पर काम किया जाता है, और महीने में कितनी उड़ान दिन में होगी और कितनी रात में, इसके लिए एक मंथली कैलेंडर बनाया गया होता है जो कि मून की पोजीशन पर आधारित होता है, जिसे मून फेस या डार्क फेस कहा जाता है। मून फेस जिसमें चांद मौजूद होता है और उसकी रोशनी होती है, और डार्क फेस जिसमें चांद नहीं होता और उसमें बिल्कुल अंधेरा रहता है। और एक फुली ऑपरेशन पायलट बनने के लिए किसी भी ट्रेनी पायलट को दिन और रात अलग अलग ऑपरेशंस के लिए तैयार किए गए सिलेबस को पूरा करना होता है, जिसमें सोलो फ्लाइट, फॉर्मेशन फ्लाइट, टैक्टिकल फ्लाइट, कॉम्बैट फ्लाइट और एयर टू ग्राउंड फ्लाइट शामिल होती है। सोलो फ्लाइट में फाइटर पायलट पहले सिंगल ही उड़ान भरता है, और फॉर्मेशन फेस में पायलट जोड़ियों में ट्रेंड होते हैं, यानी कि उसमें एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट होते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से ग्रुप में ऑपरेशन को अंजाम देना है। और फिर उसके बाद टैक्टिकल फेस में उन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट के हथियारों को इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, और ब्रीफिंग के बाद जिन पायलट्स का नाम फर्स्ट डिटेल में होता है उन्हें डायरेक्ट हैंगर की तरफ जाना होता है, जहाँ पे वे सीनियर पायलट्स के साथ डिस्कस करने और ATC से क्लियरेंस मिलने का इंतजार करते हैं। और जिन पायलट्स का नाम सेकंड या थर्ड डिटेल में होता है वे बैठ के अपने आने वाले शॉर्टी की तैयारी करते हैं, और हर एक शॉर्टी का कुछ न कुछ पर्पस होता है जिसे सिलेबस के अनुसार पूरा किया जाता है। और एयरक्राफ्ट पर बैठ कर शॉर्टी को आयोजित किए जाने से पहले सभी फाइटर पायलट्स को अपनी फ्लाइट प्लान्स के बारे में अपने कमांडिंग ऑफिसर को प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी होती है, यानी कि उन्हें ये बताना होता है कि इस उड़ान के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है। और अगर ये कोई आर्मामेंट शॉर्टी होती है, यानी कि अगर इसमें कोई वेपन इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, तो इसके लिए ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन होती है और इसमें डिटेल्स को और अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। और अगर आपने अपनी उड़ान को पूरा कर लिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया है, क्योंकि एक बेहतरीन एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए फाइटर पायलट्स की ड्यूटी केवल विमान उड़ाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त ड्यूटीज भी करनी होती है, क्योंकि हर एक काम में कुछ न कुछ सबक सीखने को मिलता है जो इन पायलट्स की लीडरशिप क्वालिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव करता है। और फाइटर पायलट्स के सेकेंडरी ड्यूटीज में कई सारे काम शामिल होते हैं, जैसे कि पायलट्स अपने स्क्वाड्रन की अलग अलग चीजों पर काम करते हैं, कोई क्लोथिंग का काम देखता है तो कोई ब्रीफिंग रूम्स का, और पायलट्स को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जानकारी भी होनी चाहिए। और वैसे तो आजकल के ज्यादातर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ऑनबोर्ड डिस्प्ले सिस्टम होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट का रूट पहले से ही फीड होता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के बहुत से ऐसे फाइटर्स हैं जो काफी पुराने हैं, और इसीलिए उनमें मैप्स को फीड करने के लिए कुछ मैनुअल प्लॉटिंग की जरूरत होती है। बाकी इसके अलावा पायलट्स को अपनी फ्लाइंग लॉग को रेगुलरली अपडेट करना होता है, जो कि काफी बड़ा काम है और इसे बहुत एक्यूरेसी के साथ करना जरूरी है, और ये तभी सही माना जाता है जब कमांडिंग ऑफिसर इसको अप्रूव कर दे। और पायलट्स को जो काम दिए गए होते हैं वे सारे काम को पूरा कर लें तो उसके बाद वे घर जा सकते हैं। और अगर किसी पायलट के दिन के रूटीन में नाइट फ्लाइंग भी शामिल है तो उसे लाइट डिनर करके वापस अपने स्क्वाड्रन में आना होता है। और फाइटर पायलट बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें इसके लिए चुना जाता है, क्योंकि एक फाइटर पायलट के कंधों पर पूरे देश की हवाई सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए एक फाइटर पायलट के लिए राइट कैंडिडेट का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट कैसे बना जाए तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।